हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। आज हम बात करेंगे समाधि क्या है, पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अष्टांगिक मार्ग के बारे में, जो गौतम बुद्ध के द्वारा खोजा गया था। मैं आपको अभी इसके बारे में हल्का सा बता देता हूँ। अष्टांगिक मार्ग को समझने के तीन हिस्से हैं। पहला हिस्सा है शील, दूसरा हिस्सा है समाधि, तीसरा हिस्सा है प्रज्ञा यानी कि पन्न्य। फिर सील को समझने के लिए उसको तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है सम्यक वाणी, दूसरा है सम्यक कर्मांत, तीसरा है सम्यक आजीविका। सील को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए आप मेरी पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, हाउ टू स्टार्ट मेडिटेशन, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो वेल फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे समाधि क्या है। समाधि का अर्थ है मन को संवारना यानी कि चित्त की एकाग्रता। इसको भी हम समझते हैं तीन हिस्सों से। पहला है सही प्रयास करना, दूसरा है सही सजगता और तीसरा है मन की सही एकाग्रता से काम करना। अगर आप शील का पालन करते हैं तो चित्त की एकाग्रता जो होती है वो पुष्ट होती है। शील में मैंने अभी आपको बताया था कि इसके तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला था सम्यक वाणी, दूसरा था सम्यक कर्मांत, तीसरा था सम्यक आजीविका। इन तीनों का पालन करने से आपकी समाधि पुष्ट होती है। और जब आपका चित्त एकाग्र हो जाएगा तब समाधि पुष्ट होने से प्रज्ञा अर्थात प्रत्यक्ष ज्ञान की पुष्टि होती है, जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में प्रज्ञा के बारे में आपको बताऊंगा। अगर प्रज्ञा पुष्ट होने लगती है तो सील और भी ज़्यादा पुष्ट हो जाती है। सो वेल फ्रेंड्स, इसी से वह व्यक्ति नेचर के लॉ को समझ पाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया है तो आप ये देखेंगे कि जब भी आप सांसों को लेते हैं और छोड़ते हैं तो आप प्रेजेंट में रहते हैं, बट ज़्यादातर टाइम पे ये होता है कि हमारा जो ध्यान है वो भटक जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, हमारा ध्यान क्यों भटक जाता है? अगर आप ध्यान अगर सही ढंग से कर रहे हैं, सही सजगता के साथ कर रहे हैं, तो आप यह देखेंगे कि आपका ध्यान दो ही कारणों से भटकता है, या तो कोई बहुत ही ज़्यादा दुखद अनुभूति हुई हो या बहुत ही ज़्यादा कोई टेंशन की बात हो। तो जो ध्यान जब भटकता है तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि वो दो ही जगह जाता है, पहला या तो भूतकाल में जाएगा यानी कि पास्ट में जाएगा, और दूसरा भविष्य को लेकर, या हमें किसी बात का चिंतन मनन हो तो वो भविष्य में ही जाएगा। तो जब भी आप ध्यान करते हैं तो आपको हमेशा प्रेजेंट में रहना है। मन का स्वभाव है भूतकाल और भविष्य काल में जाना, और यह स्वभाव हम कई जन्मों से करते आ रहे हैं। इसी स्वभाव को तोड़ने के लिए हम मेडिटेशन पे मेडिटेशन करते हैं, और यह चीज़ प्रैक्टिस के साथ ही टूटेगी। जब आप बार बार मेडिटेशन करते रहेंगे तो आप प्रेजेंट में रहने के आप आदि हो जाएंगे, और जब आप प्रेजेंट में रहेंगे तो आप हर चीज़ में अपना 100% दे पाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जो मैंने मेडिटेशन के दौरान करता हूँ और जो मैंने की है। सो फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान करते हैं बहुत सजगता के साथ तो आप ये देखेंगे कि जब ध्यान भूतकाल में जाता है तो भूतकाल में भी कहाँ जाता है, तो उसके जाने की भी सिर्फ दो ही जगह हैं, या कोई भूतकाल में बहुत ही ज़्यादा सुखद घटना घटी हो या फिर कोई बहुत ही ज़्यादा दुखद घटना घटी हो। और जैसे ही आपको होश आए कि मैं भटक चुका हूँ, तो क्षमता के साथ दोबारा से यही प्रतिक्रिया शुरू कर दें। डेली मेडिटेशन करने से आप इस स्वभाव को तोड़ पाएंगे, और ऐसा ही फ्यूचर में होता है। अगर ध्यान फ्यूचर में जाके भटक जाता है तो फ्यूचर में भी दो कारणों के कारण ही भटकता है, या कोई घटना बहुत ही ज़्यादा सुखद हुई हो या कोई घटना बहुत ही ज़्यादा दुखद हुई हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस एंड अवेयरनेस। सो वेल फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको आज का कंटेंट कैसा लगा। और अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, और आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में सीक्रेट ऑफ प्रैक्टिस से।
सबका मंगल हो।